ये सेकंड मैच है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला मैच जो बारिश के कारण रद्द हुआ था उसके रन भी इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। मैच कम और तूफान ज्यादा लग रहा था ये मैच। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे आयरलैंड वुल्व्स वर्सेस नेपाल ए और एक ऐसा मैच जो कि एक से एक रिकॉर्ड को तोड़ने वाला मैच और एक ऐसा मैच जिसमें रिजल्ट की बात अभी नहीं, फिर तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा। बात करेंगे ऐसी कि अभी T20 फॉर्मेट के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी रन्स की हो सकती है और सबसे बड़ा चेस ये बनकर खड़ा हो चुका है, ऐसा भी कहा जा सकता है। बोलरों की भाई साहब दोनों तरफ से ही इतनी पिटाई हुई है ना कि बस उसका पूछो ही मत। तुम पूछोगे नहीं तो अच्छा रहेगा, अगर पूछ लोगे तो बॉलर बेचारे रोने लगेंगे। ऐसा क्या हुआ वही जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दूसरे मैच के अंदर यहाँ पे आयरलैंड बुल्स पहले बैटिंग करने के लिए आते हैं, उसमें जो रोस हैं रोस अधायर वो दो रन बनाकर दो गेंदों में आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली गेम। फिर उसके बाद पैटर मूर जो कि 49 रन की पारी खेलते हैं 32 गेंदों में, चार चौके और तीन छक्कों की मदद से। उसके बाद यहाँ पे कॉर्ड जो कि 38 रन बनाते हैं 29 गेंदों के अंदर चार चौके और एक छक्के की मदद से। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें स्टेफन की तो उन्होंने 34 रन की पारी खेली 16 गेंदों के अंदर दो छक्के और चार चौकों की मदद से। उसके बाद आते हैं नेल रोक जो कि 38 रन की पारी खेलते हैं जो कि मात्र 23 गेंदों के अंदर तीन छक्के लगाते हैं और एक चौका उनके बल्ले से निकलता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेथ की जो कि 30 रन की पारी खेलते हैं लेकिन बॉल ओनली 14 और दो चौके और तीन छक्के। और अगर बात करें यहाँ पे उसके बाद वाले प्लेयर यानी कि गैविन होय की जो कि 18 रन बनाते हैं मात्र 6 गेंदों के अंदर दो छक्के उनके बल्ले से निकलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे चौकों और छक्कों की तो भैया आप गिन के देख सकते हैं, छक्के ही आपको लगभग ज्यादा मिलेंगे। वहीं पे 13 रन आते हैं एक्स्ट्रा और टोटल जो होता है वो 222 रन हो जाता है 5 विकेट के नुकसान पर। कमल सिंह एरी को 4 ओवरों में 39 रन देकर 3 विकेट मिलते हैं। उसके बाद एक विकेट लेते हैं सागर धाकल जो कि 4 ओवरों में 34 रन देते हैं, तो अरीब शेख भी 2 ओवरों में 28 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। बाकी किसी भी बॉलर को कोई भी विकेट नहीं मिलता है। यहां से देखकर आपको फीलिंग आ गई होगी कि T20 या फिर IPL के अंदर हमने सनराइजर हैदराबाद को 277 रन बनाते हुए देखा था, लेकिन ये नेशनल मैच है तो इसके अंदर इतना बड़ा स्कोर बहुत बड़ा हो जाता है और इसको चेस करना उससे भी बड़ी बात हम कह सकते हैं। उसके जवाब में उतरी नेपाल की टीम कहां कम रहने वाली थी। नेपाल के प्लेयर भी पूरा आग उबलने के लिए आए थे और उनका प्रदर्शन सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। हमारे प्लेयर लोकेश बहादुर बाम जिन्होंने एक बहुत ही तगड़ी या फिर बहुत ही ज्यादा हाई फाई पारी खेली 106 रन की मात्र 56 गेंदों के अंदर 9 चौके और 8 छक्के उनके बल्ले से निकले, स्ट्राइक रेट 189 का। उसके बाद विनोद भंडारी की बात करें तो 16 रन की पारी खेली 14 गेंदों के अंदर दो चौके और एक छक्कों की मदद से। देव खन्नाल ने खाता खोला नहीं। अर्जुन यहाँ पे घरत्री ने 3 रन बनाए तो वहीं पे आरिफ शेख ने फिर से एक अच्छी पारी खेली 49 रन की मात्र 26 गेंदों में, जिनके बल्ले उनके बल्ले से 5 छक्के आए और एक चौका आया। यानी कि पारी की बात करी जाए तो छक्के इसमें भी बहुत ज़्यादा थे। यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि नेपाल है वो एकदम गेम में बना हुआ है, बिकॉज जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो कम थी और जो करंट रन रेट थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद गिरा विकेट जिसके बाद यहाँ पे लास्ट के 3 ओवरों में गेम बदल गया। 3 ओवरों तक मुट्ठी में था गेम नेपाल की, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। किरण तमांग जो कि 2 यहाँ पे रन बनाकर आउट हो गए 6 गेंदों में। इसके बाद बासीर जो कि 3 रन बनाए 4 गेंदों में। उसके बाद राशिद खान जिन्होंने 0 रन बनाया, कमल सिंह एरी जिन्होंने 0 रन बनाया। लड़खड़ाती हुई टीम में कमल सिंह एरी 0 रन था ही, उसके बाद हेमंत धामी ने भी 0 रन बनाया और सागर धाकल ने एक बॉल में 1 रन बनाया। एक्स्ट्रा रन आए यहाँ पे 21, लेकिन जहाँ पे 3 विकेट थे कहीं 16 ओवर में, वहीं पे 20वें ओवर तक जाते जाते पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई नेपाल की टीम। 19.3 ओवर में 10 विकेट खो बैठी और इस तरह से यहाँ पे नेपाल की टीम 201 रन बना पाई इस टोटल में से। अगर हम कह सकते हैं कि एक
डेढ़ आवर और यहाँ पे वो प्लेयर खेल जाते या फिर कोई भी एक प्लेयर अच्छा और प्रदर्शन कर जाता तो जीत हमारे हाथों में थी। दोस्तों इस मैच के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए, जीत हार को छोड़िए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।